हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस इस वीडियो में आपको बताएंगे पेटीएम का बार कोड जो अपना क्यूआर कोड है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो गाइस जब भी एप्लीकेशन अपडेट होती है पेटीएम के कोई एप्लीकेशन तो उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है। तो गाइस ये वीडियो आपको इसमें वीडियो में पता चल जाएगा कि पेटीएम का क्यूआर कोड जो है कैसे पता करना है। तो छोटा सा वीडियो का 1-2 मिनट का, उससे ज़्यादा कहीं होगा वीडियो को स्किप ना करें। इसमें आपको बताएंगे आपको पेटीएम का बार कोड जो है उसको कैसे चेक करना है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमने पेटीएम की एप्लीकेशन खोल रखी है। तो गाइस कुछ टाइम पहले हमको भी नहीं पता था कि इस पर क्यूआर कोड कैसे चेक होता है, तो हमने आप इसको थोड़ा इसकी सेटिंग्स चेक करी और फिर हमें पता चला इसका बार कोड कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे टॉप पे आपकी फोटो बनी हुई है, लेफ्ट साइड पे आपको फोटो पे टैप कर देना है। ओके, अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके खुल के आए हैं। अब गाइस आपको जाना है यहाँ पे, जो आप ये देख सकते हैं पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, तो मैं आपको यहाँ पे लिखा होगा डिफॉल्ट बैंक अकाउंट आपका बैंक अकाउंट है जो, आपको उस पर टैप कर देना है। ओके, डिफॉल्ट बैंक अकाउंट पे जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, UPI ID सारी चीज़ें, और यहाँ देख सकते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे आप टॉप पे राइट साइड पे देख सकते हैं 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, तो जो आप 3 डॉट पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माई QR और डिसेबल UPI स्पैम रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पे माई QR पे टैप कर देना है। ओके, जैसे हम माई QR पे टैप करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो QR कोड है वो आ गया गाइस। तो यहाँ से आप इसको शेयर करना है शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेकर दे सकते हैं। ओके, तो आई होप गाइस आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी इस चीज़ की, तो आपको पता चलेगा QR कोड कैसे मतलब फाइंड कर सकते हैं पेटीएम में। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।